घने और भयानक जंगल कनीगिरी के जंगल हैं। वो जंगल बहुत खतरनाक है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां जाकर जीवित वापस आना असंभव है। असंभव है। कनीगिरी के ऐसे भयानक जंगल में कृष्णा कमर से लटकी हुई बोतल में काला पानी, कंधे पर एक पेड़ की शाखा सा लटके हुए सुनहरे पिंजरे में कैद एक उल्लू को लेकर जंगल के रास्ते पर चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद कृष्ण को भूख लगी और वो रुककर, ओह मुझे भूख लगी है, वहां देखता हूँ शायद पेड़ पर कोई फल मिल जाए। वो एक पेड़ के पास गया और अपने कंधे से शाखा को नीचे रखकर पेड़ से फल तोड़कर उसने कुछ फल खाया और एक फल पिंजरे में मौजूद पक्षी को दिया। उसे खाकर वो पक्षी भयंकर रूप से हंसकर शाखा सहित गायब हो गई। ये ललाम्बू और जजाम्बू नामक भूतों का पालतू पक्षी है। यह देखने में अजीब और विकृत होता है। कनीगिरी पहाड़ियों को पार करने के बाद कौमुदी एक अंधेरी घाटी में अमृतवल्ली पेड़ के अंत में एक सुनहरे पिंजरे में रहती है। वो केवल अमृतवल्ली पेड़ के फल खाता है और केवल उसी पेड़ के नीचे कुएं में विसर्जित करता है। कृष्णा को यह पता नहीं था, इसलिए उसने जो फल खाया था उसे पक्षी को खिलाते ही पक्षी गायब हो गई। सावधान कृष्णा, अगर तुमने जरा सी भी असावधानी की तो तुम्हारा अंत कनीगिरी पहाड़ियों में ही होगा। तुम कभी भी उन पहाड़ियों को पार नहीं कर पाओगे, सावधान रहना। कृष्णा को मंत्र वाली काकी की बातें याद आई, लेकिन उसने जो गलती की उसके कारण कृष्णा एक तोता जैसा बन गया। वैकुंठपुर में ग्राम प्रधान मधुसूदन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी मंजुलता है, उनके दो बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा आदित्य, छोटा बेटा अशोक, बेटी अनुष्का। घर में सभी लोग मधुसूदन का सम्मान करते थे। गांव में भी उनकी बात ही चलती थी। मधुसूदन भी सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करते थे। किसी को भी कोई दुख या तकलीफ होने पर वे ही सबसे आगे रहकर उनकी सहायता करते थे। कृष्णा उनके घर के बगीचे का माली है। उस घर में हर कोई हर काम के लिए कृष्णा को बुलाते थे। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी के गांव जाकर जंगल के रास्ते से लौटते समय बीच रास्ते में गाड़ी का पहिया टूट गया। साहब, गाड़ी का पहिया टूट गया है, हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है वीरू, गांव के समीप आ गए है ना, अभी कुछ ही दूरी है, पैदल चलते हैं। चलो मंजुलता चलते हैं। मधुसूदन और मंजुलता पैदल चल रहे हैं, उनके पीछे वीरू सामान लेकर जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सब कुछ अंधेरा था। ओ माँ, दर्द दर्द। क्या हुआ मंजुलता? ऐसा लगता है जैसे कुछ काट लिया हो। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो गई। मधुसूदन, वीरू, मंजुलता को घर ले आकर मंजुलता के पैर की ओर देखने पर बिच्छू का डंक उसके पैर पर था। यह बिच्छू का डंक है, लगता है अंधेरे में मालकिन को बिच्छू ने डंक मार दिया होगा। साहब, बिच्छू के मार से क्या बेहोश हो जाते हैं? जब वो उस डंक को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करता तो वो उसके हाथ में चुभ जाती है, वो भी होश खो बैठता है। उन्हें कितने ही डॉक्टरों को दिखाया गया लेकिन वे ठीक नहीं हुए, उन्हें होश नहीं आया। एक दिन कहीं से एक सिद्ध आकर जांच करके उसने मंजुलता के पैरों से निकाली हुई डंक देखी। आपने जो कहा है उससे मुझे लगता है कि इन्होंने अमावस्या के दिन यात्रा की थी, मार के बीच इन्हें बिच्छू ने काट लिया। ऐसा कहकर उस बिच्छू के डंक को लुबान में जला दिया, उस धुएं को बेहोश पड़े दोनों को दिखाया, उन्हें होश आया। स्वामी, क्या मेरे माँ और पिताजी ठीक हो गए हैं? नहीं बेटा, ये केवल आशंक राहत है, 11 दिनों के बाद वे फिर से होश खो बैठेंगे। पूरी तरह से सामान्य करना बहुत मुश्किल है। इन्हें पूरी तरह से सामान्य बनाने के लिए क्या करना होगा बताइए स्वामी, कितना भी मुश्किल हो हम करेंगे। बेटा, इन्हें डंक मारने वाला कोई सामान्य बिच्छू नहीं है, खतरनाक लाल बिच्छू है। ये एक प्रकार का भूतिया बिच्छू है जो कब्रों में बहुत कम पाया जाता है। ये केवल अमावस्या के दिन ही बाहर विचरण करता है।
उस समय यदि कोई उस बिच्छू के ऊपर से गुजरता है या बिच्छू किसी को काटता है तो वह तुरंत उसके शरीर में अपनी डंक छोड़कर उसे श्राप देती है और वो भी मर जाती है। उसके श्राप के कारण उसका डंक चुभने वाले 90 रातों में मर जाते हैं। हालांकि उस श्राप का एक परिहार है, लेकिन ये बहुत कठिन है। चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं इसे हासिल करूंगा, अपने माता पिता को बचा लूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां से कुछ दूरी पर खतरनाक कनीगिरी पहाड़ियां हैं। उनको पार करते ही कमुदी की अंधेरी घाटी है, जो घने जंगलों से भयानक होती है। वहां अमृतवली नाम का एक पेड़ है। उस पेड़ की शाखा से एक सुनहरा पिंजरा लटका हुआ रहता है। उसमें एक अजीब पक्षी रहती है। उस पेड़ के नीचे एक कुआं रहता है। कुएं का पानी काला होता है। उस पेड़ के पत्ते सोने के पिंजरे में पक्षी, उस कुएं का काला पानी, ये तीनों खतरनाक लाल बिच्छू के जहर को तोड़ सकते हैं। अगर तुम उन्हें ले आओ तो तुम्हारे माता पिता जीवित रह सकते हैं, लेकिन वहां जाने से तुम्हारी जान को खतरा है। उसके माता पिता जो उस समय होश में थे, आदित्य को जाने नहीं दिया। सिद्ध ने जो बताया उसे गांव में ढिंढोरा पिटवाया गया। सब सुनो। हमारे गांव का मुखिया और उनके पत्नी को बचाने के लिए आवश्यक चीजें अंधेरी घाटी से मिलने वाला। अमृतवल्ली के पेड़ के पत्ते, सुनहरे पिंजरे का पक्षी, कुएं का काला पानी, जो भी लेकर आएगा उसे ग्राम प्रधान के जायदाद का आधा हिस्सा और उनकी बेटी से उनका विवाह किया जाएगा। प्राहुशार। ढिंढोरा सुनकर जो लोग गए उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अब और किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। इस बीच 11 दिन बीत गए। सिद्ध द्वारा डाला गया धुआं का असर समाप्त होने के कारण आदित्य के माता पिता फिर से बेहोश हो गए। एक दिन कृष्णा अपने मित्र से, मैं जाकर किसी भी तरह उन चीजों को लेकर आऊंगा, मालकिन और साहब को बचाऊंगा, अपने प्यार को बचाऊंगा। नहीं कृष्णा, तुम देख रहे हो ना, जो भी गए उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। जो लोग गए हैं वे जीवित भी है या नहीं पता नहीं। भला मुझे किस बात का डर, मैं तो महुआ का रहने वाला हूँ। मैं अपनी मंत्र वाली काकी की मदद से उसे हासिल करके आऊंगा, न केवल मालकिन और साहब के लिए बल्कि अनुष्का के लिए, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ, जाना ही होगा। ऐसा कहकर अपने दोस्त के काफी मना करने पर भी बिना सुने चला गया। लेकिन कृष्णा को गए बहुत दिन बीत गए। जय ने सोचा कि कृष्णा मर गया होगा, क्योंकि वह वापस नहीं आया। अब केवल 60 दिन बचे हैं। माँ और पिताजी को किसी तरह बचाना होगा। मैं खुद चला जाऊंगा। बहन, अगर मैं 20 दिन में हमारे गांव नहीं पहुंच सका तो समझो मैं मर गया। आदित्य अपनी बहन और भाई को सावधानी से रहने को कहकर निकल पड़ा। 2 दिन की यात्रा के बाद कनीगिरी के जंगलों में पहुंचा। उस दिशा में जा रहे आदित्य के पास एक तोता उड़कर आया। रास्ते में तुम्हें कामनी पिशाची नशे में बुलाएगी, अगर तुम पीछे मुड़ोगे तो चट्टान में बदल जाओगे, सावधान। कौन हो तुम? तोता होकर तुम बातें कैसे कर पा रहे हो? वो सब तुम्हें बाद में पता चलेगा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। पहले मैं जैसा कहता हूँ करो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसा कहकर तोता भी आदित्य को रास्ता दिखाते हुए उसके साथ साथ चलता है। कुछ दूर जाने के बाद कामनी पिशाच आदित्य के पीछे पड़ती हुई आकर, प्रिया प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया, एक पल के लिए मेरी ओर देखो, तुम्हें ही तुम्हें, एक क्षण के लिए पीछे मुड़कर मेरी ओर देखो, कामिनी पिशाच के लाख पुकारने पर भी तोता के बताए अनुसार आदित्य बिना पीछे देखे चल रहा है। उस रास्ते में बहुत ही अजीब मनुष्य शिला थे, उन्हें देखकर, ओह, ये सभी शिलाएं इस कामिनी पिशाच द्वारा चट्टानों में बदल दिए गए मनुष्य होंगे। कुछ दूर जाने के बाद पीछा कर रही कामिनी पिशाच गायब हो गई। तोता फिर से उड़ते हुए आकर, रास्ते में एक भूतिया कौवा उड़ते हुए आकर तुम पर मल करेगा, अगर उसका मल सिर पर गिरेगा तो तुम शिला बन जाओगे, बिना सिर ऊपर उठाए उस कौवे को मारना होगा। जब तोता ये कह ही रहा था, कौवा आया और जोर से कांव कांव चिल्लाया। तुरंत आदित्य ने सिर उठाकर देखा, बस वो वहीं के वहीं चट्टान में बदल गया।
20 दिन हो गए, भैया नहीं आए। भैया जरूर किसी मुसीबत में होंगे। ऐसा सोचकर अशोक भी निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह कनीगिरी के जंगलों में पहुंच गया। जंगल के रास्ते पर चल रहे अशोक के पास तोता आकर, रास्ते में तुम्हें कामनी पिशाची बुलाएगी, पीछे मत मुड़ना, अगर पीछे मुड़ोगे तो चट्टान बन जाओगे, सावधान। तुम कौन हो? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो सब तुम्हें बाद में पता चलेगा, पहले जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, सब अच्छा ही होगा। ऐसा कहकर तोता अशोक की मदद करता है। कामनी पिशाच के बुलाने पर भी अशोक बिना पीछे मुड़े चलते जा रहा है। कुछ समय बाद पिशाच गायब हो गई। तोता भूतिया कौए के बारे में भी बताता है। अशोक भूतिया कौए के मल से बच निकलता है और बिना सिर उठाए कौए की परछाई देखकर तलवार फेंकता है। तलवार भूतिया कौए को लगती है और कौआ हवा में ही भस्म हो जाता है। बहुत बढ़िया, दो बाधाएं पार कर ली, अभी तीसरी बाधा बाकी है। यदि इसे पार कर लोगे तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्या है वो? यहाँ से कुछ ही दूरी पर दो पहाड़ियाँ हैं। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है ललाम्भू और जजम्भू चोटियों का रास्ता। चोटियों का रास्ता मतलब कैसा रहता है, कहाँ रहता है? ललाम्भू और जजम्भू नाम के दो भूत उन पहाड़ियों पर सोए रहते हैं। उनकी दो चोटियाँ हैं, एक दूसरे से गुथी हुई, दो पहाड़ियों को पुल की तरह जोड़ती है। दूसरी पहाड़ी तक पहुंचने के लिए उनके बालों पर चलना पड़ता है, लेकिन अगर उनके बालों पर मक्खी भी बैठ जाए तो वे तुरंत जाग जाते हैं। तो फिर उन्हें बिना जगाए कैसे जाना है? तुम उनके बालों पर चलते समय तुम्हें मेरी बताई हुई लोरी गाते हुए जाना होगा, नहीं तो वे नींद से जागकर चोटी हिलाने पर तुम नीचे दलदल में गिरकर चट्टान बन जाओगे, सावधान रहो। कान में लोरी गाना बताता है। तोते के बताए अनुसार पहाड़ियों पर पहुंचकर देखा, तो वहां ललाम्बू और जजाम्बू के चोटियों का रास्ता दिखाई दिया। उस पर तोता का बताया हुआ लोरी गाते हुए चल रहा था। सोजा सोजा लम्भू, सोजा जम्भू, सोजा सोजा जम्भू, सोजा रे लम्भू, बम बम बग बग गर्म हवा मिले, डम डम डिग डिग ठंडी हवा चले। ऐसा गाते हुए ललाम्बू के खराटों से डर जाता है और गाना बीच में ही रोक देता है। गाना बंद होते ही दोनों सोए हुए भूत नींद से जागकर बालों को अलग कर दिए। बस अशोक वहां दलदल में गिरकर चट्टान में बदल गया। अब केवल आखिरी 20 दिन बचे हैं। दोनों भाइयों के ना लौटने पर अनुष्का उन्हें लाने को खुद निकल पड़ती है। उस घर के दीवान जी मना करते हैं। बेटी अनुष्का, इस परिवार में अब केवल तुम ही बची हो, कृपा करके जाने का विचार छोड़ दो बेटी। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़ा लाड प्यार से पाला है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो मैं उन्हें बिना बचाए उनके पास रहकर उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। जिंदगी या मौत फैसला करूंगी। ऐसा कहकर दीवान जी की बात सुने बिना अनुष्का भी कौमुदी घाटी के लिए निकल गई। कुछ दिन बाद कनीगिरी जंगल पहुंचकर उस रास्ते से जा रही है। वहां तोता आकर, आप जो चाहती हैं उसे हासिल करने के लिए मेरी मदद लीजिए, जैसा कहूँ कीजिए, नहीं तो आप भी अपने भाइयों की तरह चट्टान बन जाओगी। क्या भाई चट्टान बन गए हैं? तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? वो बातें तुम्हें बाद में पता चलेगी, पहले मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तोता की बात का विश्वास करके उसके मदद से एक एक बाधा को पार, लोरी गाना गाते हुए सावधानी से पुल पार कर रही थी। सो जा लम्बू, सो जा लम्बू, सो जा जम्बू, सो जा रे लम्बू, बम बम बग बग गर्म हवा मिले, डम डम डिग डिग ठंडी हवा चले। तोता की मदद से अनुष्का तीन बाधाओं को पार कर अमृतवाली पेड़ तक पहुंच जाती है। अमृतवाली पेड़ की शाखा के अंत में एक सुनहरे पिंजरे में एक अजीब पक्षी है। वो उस पेड़ के फल को खाते हुए गुठलियों को पेड़ के नीचे कुएं में विसर्जित करती रहती है। उन गुठलियों को पानी में गिरते ही पानी काला हो जाता है। अनुष्का शाखा सहित पिंजरे में बंद पक्षी
और कुएं से काला पानी लेकर वहां से निकल गई। अनुष्का के साथ तोता भी कुछ दूर तक आया। कनिगिरी वन आते ही तोता जंगल से बाहर निकल नहीं सका। आप जाकर अपने माता पिता की रक्षा कीजिए, मैं यहां से आगे नहीं जा सकता अनुष्का मालकिन। उसकी मदद करने के लिए तोता को दिल से धन्यवाद करके अनुष्का अकेली वहां से चल पड़ी। इस तरह जाते समय रास्ते में आखिर वो तोता कौन है? मैं मेरे भाइयों के लिए, माता पिता के लिए आई थी, उसे कैसे पता? इस तरह सोचते सोचते रास्ते में उसे तोते की बात याद आ गई। अनुष्का मालकिन, कृष्णा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मुझे अनुष्का मालकिन कह के पुकारता है, तो क्या वो कृष्णा है? लेकिन कृष्णा क्यों तोता की तरह रहेगा, ये मेरा वहम है। वहाँ गाँव पहुँच कर वैद्य की मदद से अपने माता पिता पर कुएं का काला पानी छिड़क कर और पत्तों की धूप सुंघा कर पिंजरे में अजीब पक्षी की आवाज सुनाते ही अनुष्का की माता पिता को पूरा होश आ गया। माता पिता को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके दो बेटे उनके लिए जाकर बलि बन गए। अनुष्का को कृष्णा की याद आती है। उसके बारे में जानने के लिए कृष्णा के दोस्त जय के पास जाती है। तुम्हारा दोस्त कृष्णा काम पर क्यों नहीं आ रहा है? क्या आप नहीं जानती कि वे आपके माता पिता को बचाने के लिए लाख मना करने पर भी बिना सुने घाटी में चला गया और वापस नहीं आया? मालकिन, आप तो उसकी जान है, आपके लिए जान की परवाह किए बिना जंगल में गया और वापस नहीं आया। उसने कहा था कि जाने से पहले वो अपने गाँव जाकर मंत्र वाली काकी से मिलकर जाएगा, और उसने ये भी कहा कि काकी ने ठान लिया तो कोई भी काम संभव हो सकता है। अनुष्का को समझ आ गया कि घाटी में उसकी मदद करने वाला उस तोते के रूप में कृष्णा ही है। एक पल की भी देरी किए बिना तुरंत महुआ जाकर मंत्र वाली काकी से मिली। विस्तार से जो कुछ हुआ काकी को बताया। उसे चार ताबीज देकर सावधानी बरतने को कहकर भेजा था, फिर क्या हुआ? अनुष्का ने काकी को वो सब कुछ बताया जो घटित हुआ। काकी अनुष्का को ताबीज बांध कर उसके कान में कुछ कहती है। अनुष्का फिर कनीगिरी जंगल में जाकर रास्ते में शिला रूप में पड़े तोते को देखती है। काकी द्वारा दिए गए रक्षा मौली से फिर से तीनों बाधाओं को पार करके वो अमृतवल्ली वृक्ष के पास जाकर कुएं में उतरकर पक्षी के द्वारा विसर्जित गुठलियों को चुनकर अपने कमर से बंधी थैली में डालकर उस सोने के पिंजरे को यथास्थान में रखकर वापस आते समय शिला के रूप में बदल गए लोगों के सिर पर एक एक गुठली रखते ही शिला रूप में बदले हुए लोग एक एक करके मनुष्य में बदल रहे हैं। अनुष्का आदित्य भैया के साथ मिलकर काफी ढूंढने पर भी अशोक भैया की शिला नहीं मिलती। वापस आकर रास्ते में तोते की शिला पर गुठली रखते ही तोता शिला कृष्ण में बदल गई। अनुष्का मालकिन, अशोक जी की शिला उस कुएं में है। कृष्णा और आदित्य मिलकर शिला को बाहर निकालते हैं। जब अनुष्का ने शिला पर गुठली रखी तो अशोक की शिला आदमी में बदल गई। कृष्णा, तुम तोते जैसे कैसे बन गए, फिर से शिला क्यों बन गए? वास्तव में क्या हुआ था? काकी द्वारा दी गई रक्षा को अपने हाथ में बांधकर जब मैंने कनीगिरी जंगलों को पार किया था तो कामनी पिशाच के बुलाने पर मैं पीछे मुड़ा, लेकिन काकी द्वारा बांधे गए रक्षा की वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी चार रक्षा सूत्रों में से एक रक्षा जलकर राख हो गई। दूसरी बाधा के पास भी मैंने सिर उठाकर कौए को देखा था, लेकिन रक्षा की वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। पर मेरे पास मेरी दूसरी रक्षा भी जलकर राख हो गई। इसी तरह लालाम्बू और जजाम्बू भूत भी मेरी वजह से नींद से जाग उठे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। पर मेरी तीसरी रक्षा भी जलकर राख हो गई। तीनों अवरोधों को पार कर मुझे जो चाहिए था उसे हासिल कर वापस आते समय भूख लगने पर शाखा सहित पिंजरे को नीचे रखकर पिंजरे के पक्षी को फल खिलाने पर मुझे भी शिला बन जाना चाहिए था, लेकिन काकी द्वारा मुझे बांधे गए चारों रक्षा मौलियों में से आखिरी चौथी रक्षा मौली की वजह से शिला बनकर तोते में बदल गया। दो पूर्णिमाओं तक मैं तोते के रूप में रहकर बातें कर सका,
जब तुम मेरे भाइयों को तोते के रूप में मिले थे तो तब तुमने अपने बारे में क्यों नहीं बताया? अगर मैं अपने बारे में बता देता तो सिर फटकर मर जाता। अगर ये जंगल पार करता तो भी मर जाता, इसीलिए नहीं बताया। मैं इस जंगल का सरहद पार नहीं कर पाया और यहीं रह गया। काकी की मदद से अनुष्का शिला रूप में बदले सभी लोगों को बचाती है, अपने माता पिता की जान बचा सकी। सभी गांव वालों ने काकी को धन्यवाद दिया। कृष्णा और अनुष्का की शादी सभी गांव वालों के समक्ष बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। Tena tu, tena teruan, huel kaima, huel esna terena sa, tena tu.